मिसेस मैरा ने क्या कह दिया? मुझे तो उन्होंने कुछ और ही कहा था। उनकी स्टेटमेंट के बिना हम मिस्टर अभी को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या उनके स्टेटमेंट के बिना? वो कोई जज है कि जो वो बोलेंगे वो फैसला हो गया? लेकिन अब तो I don't want any excuses. मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and that's it. Do you get that? आलिया आलिया one second. कोई और ऑप्शन नहीं है अभी को छुड़वाने का। ऑप्शंस तो है लेकिन मिसेस मैरा ने ये स्टेटमेंट देके इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उनकी स्टेटमेंट मिस्टर अभी को यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो अब उनके अगेंस्ट चली गई है। इससे उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मुझे तो कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती है और ये I just don't get it. वो क्या सोचती है कि अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देगी तो क्या मेरा भाई यहीं पर पड़ा रहेगा? चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and I am telling you that. Make it happen. ठीक, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। I'll call you back. सीम्स की अभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। उसने कल कुछ और कहा और आज कुछ और, यही आते हैं उसे। भरोसा दिला के धोखा देना, पर अच्छा ही किया। उसे लेके मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। पता चल गया कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज आप मेरी वजह से जेल के अंदर हैं और मैं आपको बता भी नहीं सकी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरी वजह से जेल के अंदर गए हैं ना, तो मेरी ही वजह से आप बाहर निकलेंगे। मैं ही आपको जेल से छुड़वाऊंगी। लेकिन कैसे? झूठी स्टेटमेंट देने के बाद अब मुझे कोई बहुत बड़ा सबूत चाहिए होगा इन्हें रिहा करवाने के लिए। लेकिन कहां से लाऊं सबूत? प्रज्ञा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ऑपरेटर इसे क्या बात कर रहा था? कहीं ये दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? हाँ, तभी इसने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। पर तुम चाहो जो प्लान बना लो, जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना, तुम दोनों को एक साथ एक्सपोज करूंगा और फिर इस चश्मे से बदला लूंगा। इस बार मैं इसे माफ नहीं करने वाला। जी, पति को बचाने के चक्कर में आपने हॉल को भी खो दिया। मेरे पति को बचाकर मैंने क्या खोया है और क्या पाया है, इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते। अच्छा? जो इंसान हर चीज में पैसे ढूंढता हो, वो हर काम में फायदा और नुकसान दिखता है। प्रज्ञा जी, एक बात बताइए, ये जो टैलेंट है ये खानदानी है क्या? आप और आपके पति भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन प्रज्ञा जी भाषण से पेट नहीं भरता, उसके लिए राशन लगता है। मैं भी देखता हूं कैसे बचाती हैं आप अपने पति को और अपने उस हॉल को। आराम से अब क्या मोबाइल की भी जान लेंगी? वैसे एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही प्रज्ञा जी, मैं जो भी काम करता हूं उसमें फायदा और नुकसान दोनों देखता हूं, लेकिन आप लोगों के मामले में मैंने सिर्फ अपना बदला देखा। याद है बुलबुल की शादी के लिए आप लोगों ने मुझे ठुकराया था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि आप लोगों का पहले मैं हॉल हड़पूंगा, उसके बाद आपका घर, उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को रास्ते पर लाकर भीख मंगवाऊंगा। लेकिन फिर आ गए आपके श्रीराम ये ऑर्डर लेकर। ये ऑर्डर देखते साथ ही मैंने सोच लिया था कि उसको भी तड़पाना तो बनता है।
उसे तो मैं फंसा कर रहूंगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को गंदी गंदी गालियां दी ताकि उसे गुस्सा आए, वो मुझे मारे, मैं उसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊं, उसके हाथ पैर तोड़ूं। लेकिन अच्छी किस्मत भी कितनी अच्छी होती है ना प्रज्ञा जी, वो बच गया, आपने सुन लिया, उसे बचा लिया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी प्रज्ञा जी, मैंने सोचा जब वो बाहर निकलेगा तो उसी के फैंस के बीच में अपने आदमी ताल के उसे इतनी मार खिलाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन किस्मत देखिए, वो फिर बच गया। लेकिन अच्छी किस्मत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जैसे कि आपके हॉल की किस्मत। और अब आप लोगों का हाल ऐसा है कि आपके हॉल को बचाने के लिए चाहिए आपके पति, और पति को बचाने के लिए सबूत। और जब तक सबूत मिलेगा ना प्रज्ञा जी, तब तक आपका हॉल भी टूट चुका होगा और आपके पति की हड्डियां भी। वो डाकर आपको यहां से निकलवा कर ले जाऊंगी। Am I smiling? I am. But it wasn't funny. इसे सुनकर मेरे टपोरी दोस्तों को भी हंसी नहीं आ रही है। All right? बैठो, यार सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और तुम मुझे बाहर निकलवाओगी? जब बाहर निकलने का मौका था तब तो तुमने मुझे अंदर डलवा दिया, और अब जब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है तो मुझसे आकर बोल रही हो कि तुम मुझे बाहर निकालोगी। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब तुम्हारा प्लान है, अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। तुम अगर तुम चलती हुई चिता पर बैठकर भी मुझसे ये सब कहोगी ना, तब भी मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगा। और प्लीज मेरे लिए केयर मत करना, अपने लिए प्रेयर करना कि जब मैं बाहर निकलूं सच में मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर ना हो जाए। आपको अंदर भेजना मेरी मजबूरी थी, लेकिन सिर्फ कल तक। आप मुझे आपको बचाने के लिए सबूत मिल गया, लेकिन मैं आज कोर्ट में नहीं पेश कर सकती, कल कर पाऊंगी। फिर कल सुबह मैं खुद आकर यहां से आपको लेकर जाऊंगी। ओ जस्ट शट अप, बंद करो अपने बकवास वरना मैं प्लीज, मेरी मां मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं कर रही मैं, बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूं। कल आपने किया, अब मेरी बारी। चलती, तो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा काम आसान हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, बट उसने जो किया उसके बाद भाई विल हेट हर, नफरत करेंगे भाई उससे। शक्ल देखी थी तूने भाई की? कोर्स देखा था, यू नो समवेयर आई फेल्ट कि वो बहन जी अभी को पसंद करने लगे, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद मेरी सारी चिंता छू मंतर हो गई, इट्स गॉन। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। व्हाटएवर बी द रीजन आई डोंट केयर, उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। और वो ये है कि भाई उससे नफरत करता है। अब बस हमें कल सुबह फटाफट से भाई को जेल से बाहर निकलवाना होगा, ताकि भाई को ये लगे कि सबसे ज्यादा हमें फिक्र है उनकी, कोई और नहीं जिनकी मदद वो कर। लुक हूज़ हियर, वेलकम मिसेस अभी मेहरा, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम इतना बड़ा और काम इतना छोटा, आई मीन तुमने उसे ही नहीं छोड़ा जिसने तुम्हारे फैमिली हॉल को बचाया। इतने कलर तो मैंने रेनबो में भी नहीं देखे जितने तुम्हारे देखने को मिल रहे। सीरियसली मुझे एक बार लगा था कि तुम्हें सच्ची में अभी से प्यार हो गया, पर आज जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो पैसों से करे प्यार वो बाकी सबको करे इनकार, है ना? बट यू नो व्हाट प्रज्ञा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने हमें एक गुड न्यूज दी, अब हम तुम्हें एक गुड न्यूज देंगे। कल शाम दादी आ रही है, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी लाडली बहू ने उनके लाडले पोते को जेल भिजवा दिया, तो वो खुद ही तुम्हें मायके भेज देंगे। और हाँ, कल शाम ना तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा पैकिंग करने का, तो आज ही कर लेना अभी। ओके। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।